Yeah, good morning everyone. This is the lecture number 3 of the same chapter, pressure and area, and we are discussing one assignment of Manoharshna. We'll try to discuss maximum number of questions. Question number 1 says a normal force of 200 Newton acts on an area of 0.02 meter square. Find the pressure in pascal. Whatever is the data written in the question, I'm writing here, my dear student. Zoom in karna chahiye. Force. एक नॉर्मल फोर्स है, कितना दिया हुआ फोर्स 200 न्यूटन, जिस एरिया पे एक्ट कर रहा है वो एरिया कितना दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर यानी कि कैपिटल पी, प्रेशर अननोन है बेटा और प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। आप सभी को प्रेशर का फॉर्मूला पता है, फोर्स और एरिया के टर्म में पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया हुआ बेटा 100 न्यूटन और एरिया कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर। बाकी आपके सिंपल से न्यूमेरिकल स्किल्स हैं, अगर आप यहाँ से ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 100 आएगा, सभी को पता है, ठीक है। अब आप इसकी कटिंग करिए, 200 into 100 यानी कि प्रेशर कितना आ गया 10,000, तो पहले का जो आंसर है वो कितना आ गया 10,000 पास्कल। आई होप सभी को ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट प्रेशर ऑफ 50,000 पास्कल ऑन एन एरिया ऑफ 0.005 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए क्लास, इस बार हमें प्रेशर गिवन है, कैपिटल पी यानी कि प्रेशर गिवन है, और प्रेशर कितना गिवन है 50,000 पास्कल, ये हमारा प्रेशर है। जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये प्रेशर एक्ट कर रहा है वो है 0.005 मीटर स्क्वायर, और इस बार हमारा कैपिटल एफ यानी कि फोर्स हमारा अननोन है। आप सभी को पता है फॉर्मूला, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ये आपने ध्यान में रखना है। प्रेशर की जगह आप क्या लिखेंगे 50,000 और एरिया की जगह आ जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए यहाँ प्रेशर मतलब पास्कल में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं पास्कल की जगह, ऐसे यूनिट भी कैंसिल होते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। अब ये बेटा पॉइंट हटा के तीन प्लेसेस हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 3 0 आ जाएंगे, पता है सभी को, ठीक है ना। ये सिंपल मैथमेटिकल स्केल है, 3 0 से 3 0 कैंसिल करो, 50 into 5 और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, यानी कि फोर्स आंसर कितना आ जाएगा 55 का 250 न्यूटन, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास ध्यान रखिए, ये आंसर हमारा आ गया।